सब ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है, आप फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, तो सेफ ही रहिए। मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए दोस्तों, गाइडेंस मिलेगी आपको, स्किप मत किया कीजिए, आगे मत बढ़ाया कीजिए, पूरा देखा कीजिए। ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी मैं करती हूँ। अब पर्सनल हीलिंग क्या है आप जानना चाहेंगे? 7 चक्र होते हैं हमारे, क्राउन चक्र, हेड से बता रही हूँ, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलार प्लेक्स चक्र, बेस चक्र। तो जिसका बेस चक्र नहीं, बेस ही जिसका बेस चक्र ही नहीं एक्टिवेट होता है, उसका तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्राउन चक्र जिसका एक्टिवेट नहीं होता, उसका भी कुछ नहीं अच्छा होता। हार्ट चक्र में धोखे मिलते हैं, थ्रोट चक्र में अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और नाभि से जुड़े भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वाला भी चक्र होता है। लंग्स से भी जुड़ी हुई चक्र होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना पर्सन धोखा बहुत देता है, झूठ बहुत बोलता है, हमारे से चलाकियां बहुत करता है, और दूसरी जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, या दूसरी जगह अफेयर करता है, वहां जाता है, यहां आता है, ऑन एंड ऑफ करता है, और चला जाता है तो वापस आने का नाम नहीं लेता है, नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पाता है जल्दी। तो ये सब होता है जब इनएक्टिवेट होते हैं हमारे चक्रास। तो इसलिए कहती हूँ आप अपना और अपने पर्सन का हीलिंग कराइए, चक्रास एक्टिवेट कराइए, जिससे कि वो वापस आए और अब कभी ना जाएं, आपको ही प्यार करें, झूठ ना बोलें, ठीक है? तो ये होती है हीलिंग। पर्सनल काउंसलिंग, जैसे हम मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, रोते हैं, दुख बताते हैं, और अपना दिल दिमाग हल्का करते हैं, सुकून मिलता है हमें, तो वो होती है पर्सनल काउंसलिंग। मतलब बातचीत करके अपना दिल दिमाग हल्का करना, वो भी मैं करती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी मैं सिखाती हूँ, 78 कार्ड्स होते हैं बेसिक, उनको मैं सिखाती हूँ अच्छे से। अगर आप बेस सीख जाते हैं 78 कार्ड्स का, तो बाकी चीज़ें आप अपने आप ही सीख जाएंगे, लेकिन बेस सीखना बहुत ज़रूरी है टैरो कार्ड्स का। तो मैं बेसिक कोर्स भी सिखाती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगेगा वो सीख कर, तो बाकी कार्ड्स भी सिखा सकती हूँ, लेकिन सबकी पेमेंट होती है, आपको पता ही है। टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, कहीं से भी जुगाड़ करके आप सीख सकते हैं, फिर आप भी हीलिंग करेंगे घर से, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हीलिंग कर सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं लोगों की, पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स सिखा सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, उधर से भी अर्निंग आती है, गूगल से, यूट्यूब से आती है, तो काफ़ी चीज़ आप कर लेंगे, सेल्फ मेड हो जाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, घर से ही कमाएंगे, इज्जत बटोरेंगे मुफ्त में। जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तो लोग अपने आप ही इज्जत करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, फेमस हो जाते हैं हम, नेम फेम मिल जाता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने कम कर दिए हैं, बुकिंग कराएं, और अगर मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ, आश्वासन देती हूँ कि अगर आपने उस टाइम, मैं जिस टाइम बुकिंग करी हो और मैं फ्री होंगी, मैं आपको उसी टाइम रीडिंग दे दूंगी, ठीक है? और जो लोग नए आए हैं, ये वीडियो देखते रहते हैं और लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन नहीं दबाते हैं, उनको मैं एक प्लीज़ बात कहना चाहूँगी। मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, किसी की हेल्प करना गुड कर्माज सस्टेन करना होता है, अच्छे कर्मों में गिना जाता है किसी की हेल्प करना, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बेल बटन को दबा दीजिए। और ये बात मैं अपने 7,000 फैमिली मेंबर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स से भी कहना चाहूँगी कि जो मेरा दूसरा चैनल है एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTARO, उधर जाके लाइक सब्सक्राइब बेल बटन को दबा दे, थैंक यू। एनकरेजमेंट मिलेगी मुझे, मैं आपको ब्लेस करूँगी, प्रे करूँगी आपके लिए कि आपका पर्सन जल्दी आए, आए तो अब ऐसा आए कि कभी ना जाए, मैं प्रे भी तो करूंगी ना इन रिटर्न। तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTARO को, यही सेटअप है, आपको मिल जाएगा बहुत इजीली टाइप करते ही, लाइक सब्सक्राइब बेल बटन को दबा दीजिए, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी नए नए वीडियोस बनाने के लिए। अभी तो वहाँ 4-5 ही वीडियोज़ हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग का वो चैनल है, अगर मेरे को यहाँ से फुर्सत मिलती है और आप सबसे बड़ी बात मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, लाइक सब्सक्राइब बेल बटन को दबाते हैं,
तो मैं वहाँ प्रॉमिस करती हूँ मैं वहाँ भी वीडियोस बनाऊंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया, आपको वहाँ भी अच्छा लगेगा। तो बस यही कहना था मुझे। तो आज का वीडियो देख लेते हैं क्या है। आज का वीडियो है कि आने वाले 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 2022 के आने वाले साल के आने वाले 3 महीनों में क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। देख लेते हैं थर्ड पार्टी से क्या वो वापस आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, के क्या मेरे व्यूअर्स, क्या मेरे बच्चों के पर्सन वापस आ रहे हैं आने वाले 3 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च में 2022 के नए साल के 3 महीने में क्या वो वापस आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं। द थिंकिंग वुमेन, भाई सोच विचार तो कर रहे हैं, वो थिंकिंग का आ गया है। जो मेल देख रहे हैं वो फीमेल के लिए देख सकते हैं, जो फीमेल देख रही है वो मेल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद देख सकते हैं। अगर रेजोनेट हो रही है तो रख लेना, नहीं हो रही है तो दूसरों के लिए छोड़ देना, हो सकता है आपके लिए दूसरी रीडिंग हो कोई, ठीक है मेरे बच्चों। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके। एप्रिसिएशन, ओके। ओके, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। सेकेंड चक्र आर्क एंजल एरियल, एंजल ऑफ बैलेंस, इनडिसीजन, वॉकिंग अवे, कॉर्नकोपिया, गॉडेस ऑफ द मून, बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी है। ओहो, मोस्ट रिस्पेक्टफुल फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल, जिनको मैं बहुत मानती हूं। बहुत प्रोटेक्शन देते हैं ये। फाइटिंग, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नए साल के 3 महीनों के अंदर वापस आ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च। एक्सॉक्शन, एग्जॉशन, मोमेंट टू मोमेंट, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। गिल्ट, गिल्ट में तो आप ही रहते ही हैं। मोरालिटी, राइपनेस, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, एक और निकाल, वी आर द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग, ठीक है। चलिए अब अपने
टैरो से निकालते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, ट्रैवलिंग का आ गया दोनों साइड। द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड। फोर ऑफ वैंड्स, ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स, और देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले 3 महीनों में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, और बॉटम में निकला है एट ऑफ वैंड्स। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स निकले हैं। तो आने वाले 3 महीनों में क्या वो आ रहे हैं? सबसे पहले तो वो मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं। मॉरल वैल्यूज उनकी आ गई हैं कि क्या अच्छी बात होती है क्या नहीं होती है। गिल्ट में वो आ गए हैं कि मैंने गलत किया मेरे व्यूअर्स के साथ। कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है उनकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं सोच सोच के, अपने आप से ही लड़ने लग जाते हैं कई बार कि मैंने क्यों करा ये सब। कच्चे चावल होते हैं ना, वो अब पक गए हैं, मतलब अब उनमें अकल आ गई है सोचने समझने की कि हम ही हैं जो हैं, वी आर द वर्ल्ड। पुराने जन्म में भी हम ही थे मियाँ बीवी, इस जन्म में भी हम ही हैं मियाँ बीवी, या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और व्यूअर्स, और अगले आने वाले 7 जन्मों तक भी हम ही रहेंगे एक साथ। तो आपको बस पेशेंस रखनी है और देखना है क्या हो रहा है। ये कंट्रोल कर रही है अभी भी आपके पर्सन को, बहुत कंट्रोल कर रही है ये थर्ड पार्टी, लेकिन न्याय आप ही को मिलेगा, चिंता मत कीजिए। सोलमेट कनेक्शन आप ही के साथ है, वो सोच रहे हैं जिनके साथ शादी नहीं हुई थी, छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के लिए, अब शादी होगी। जो शादीशुदा थे वो अब वापस आ रहे हैं अपनी प्रियतमा के लिए प्यार लेके। क्वीन ऑफ कप्स आप हैं, क्योंकि उन्हें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रही है आपसे, वो अब आपको आकर गले लगाना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, बस अब आप समझ जाइए और क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं वो, दो कार्ड्स आ गए हैं ट्रैवलिंग के। प्यार ऑफर करना चाहते हैं, फ्रेंड बनना चाहते हैं अच्छा आपका, ठीक है। क्यों हो रहा है ये सब, क्यों वो बन गए हैं एक सोचने वाले इंसान? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन किया है, ठीक है, मेडिटेशन किया है, उनकी हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की हीलिंग हुई है, फर्स्ट चक्र की, सेकंड चक्र की हीलिंग हुई है। देखिए दो हीलिंग हुई है, फर्स्ट चक्र सेकंड चक्र की हीलिंग हो गई है, और डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग, और गॉडेस ऑफ द मून, ये 4 हीलिंग के कार्ड आए हैं। हीलिंग हो गई है, अब वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर चुके हैं, बैलेंस आ गया है उनमें, अब वो आ सकते हैं आने वाले 3 महीनों में। लेकिन कभी कभी वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, मतलब वो कुछ सोचने समझने की शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए वो हीलिंग होने के बाद भी, सब कुछ होने के, वॉक अवे होने के बाद भी वो सोचते रह जाते हैं, क्योंकि वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ऐसे हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब आपको ही न्याय मिलने वाला है। शादी जिनकी नहीं हुई, शादी होने वाली है, क्योंकि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रही है, कंट्रोलिंग पावर अब ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी की, ठीक है। और जिनकी बातचीत नहीं हुई थी उनकी बातचीत भी होने वाली है, जो लोग कॉन्टैक्ट में थे आने वाले 3 महीनों में, ठीक है। सक्सेस का कार्ड आया है और उसके ठीक नीचे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो और क्या चाहिए।
धीरे धीरे उनमें स्ट्रेंथ आएगी, अभी वो इनडिसाइसिव हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ आएगी तो क्या होगा, न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की। ओके, तो आने वाले 3 महीनों में वो आ सकते हैं, ये आया है। ठीक है, ये जो देर हो रही है वो इनडिसाइसिव हो रहे हैं, अब थर्ड पार्टी का काला जादू नहीं चल रहा, अब उनका दिमाग थोड़ा सा हैंगमैन जैसा हो रहा है, आए ना आए, वही बात के मूव ऑन तो नहीं कर गए आप लोग, रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे उनका प्यार, बस वो रिजेक्शन से डरते हैं और कुछ बात नहीं है, रिजेक्शन से डरते हैं और कोई बात नहीं है ऐसी। गाइडेंस देख लेते हैं क्या आई है। लेट गो, आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है, जाने देना है, कोई चीज़ को आप पकड़े बैठे हैं उसको लेट गो करना है, जाने देना है। अनलाइकली, कभी हाँ कभी ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो भी आप बात सोच रहे हैं हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये जो आपकी सिचुएशन चल रही है उससे अच्छी होगी सिचुएशन आगे चल के, ये कह रहे हैं गाइडेंस में। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं, सकारात्मक रहें, सकारात्मकता में रहें, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई सुनहरा अवसर सुनहरा मौका मिलने वाला है, रोमांस प्यार आने वाला है, रोमांस के कार्ड तो हमेशा ही आ रहे हैं आपके, ज्यादातर रीडिंग में रोमांस के कार्ड आ रहे हैं। यस, कोई क्वेश्चन पूछा है आपने, यस का आंसर आया है, हाँ में जवाब आया है, जो आपने प्रश्न पूछा है अभी उत्तर हाँ में आया है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और वो भी बहुत खुशनुमा चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में खुशियां आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स ही हो सकते हैं, क्या पता, जनवरी फरवरी मार्च जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं आज, 2022 के 3 महीने में क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से छूट कर आ जाएंगे आपके पास। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन से भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं बाबू बच्चों। नो, नो का क्वेश्चन आपने कोई पूछा है, नो का आंसर आया है। इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी की हेल्थ खराब थी तो वो इम्प्रूव हो रही है। चलिए और देख लेते हैं गाइडेंस, आपको गाइडेंस अच्छी लगती है देखना, इसलिए मैं 2-3 तो निकाल ही देती हूँ। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये पहला भी शायद कल पहला निकला था गाइडेंस, इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए, नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ मुमकिन होने वाला है, जो भी नामुमकिन दिख रहा है आपको। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये भी आया था कल की रीडिंग में, आपके सपने साकार होने वाले हैं और उन्हें साकार करने के लिए कुछ प्लान भी बनाइए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, पुरानी बातों को मत याद करना, उससे दुखी होगा और बुरा ही होगा, इसलिए पुरानी बातों को मिट्टी डालो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, क्वेश्चन आंसर आप अपने आप से करते होंगे तो उनके उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, आ रहे हैं, वो रस्ते में ही हैं उत्तर, कह रहे हैं ये यूनिवर्स। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस रखिए अपने पे, कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ पावरफुल चेंज आपके जिंदगी में आने वाला है, कुछ बदलाव, और वो भी बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर बदलाव आने वाला है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, कि आने वाले 3 महीने 2022 में, जनवरी फरवरी मार्च में, मेरे पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी से छूटकर वापस आ रहे हैं क्या। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्यार देखिए, रोमांस प्यार सब कुछ, प्यार 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 ही प्यार आ रहा है, बस करना ही क्या है, प्यार ही प्यार मांगना है, देना है, करना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो भगवान जी का रास्ता है स्पिरिचुअल होने का वो भी अपनाएं और गृहस्थ जीवन भी अपनाएं, दोनों को बैलेंस करें। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने जो मेहनत मशक्कत की है उसका फल अब मिलने वाला है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी शांति से, बस शांति बनाए रखिए, शांति से, पेशेंस से रहिए, अभी बन रही हैं चीज़ें आपके लिए, पाथ बन रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, वही मैं बोलती हूँ, नकारात्मकता को त्यागे, सकारात्मकता को अपनाएं।
वही मैं कह रही हूँ, वही यूनिवर्स कह रहे हैं द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के साथ खत्म हो जाएगी और टफ साइकिल खत्म हो जाएगी और रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाएगी, ये बता रहे हैं यूनिवर्स। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का कार्ड आ गया है और बॉटम में आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं जीवन में, आगे आने वाले जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल कार्ड से, जब प्यार आ रहा है तो प्यार के कार्ड्स भी निकलेंगे। चिल्ड्रन योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, देखिए जब वो आएंगे तो बच्चों में ही मत घुसे रहिएगा, अपने प्यार पर भी ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं अफेक्ट हो रही है, चिल्ड्रंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने पर्सन की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं तो अफेक्ट हो जाती है लाइफ, ठीक है। डिसेप्शन, उनको डिसेप्शन मिलने वाला है आपकी पर्सन को, वो तो मिल ही चुका है थर्ड पार्टी से, धोखा तो मिल ही चुका है ना, और क्या। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दिल से दिल की बात कीजिएगा जब वो आएंगे, ओके। पानी पी लूं जरा। जरा का गाना याद आ रहा है मुझे, मैं गाना चाहूंगी, जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर लो अपनी बाहों में, मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे आरे। और रिकंसिलिएशन का कार्ड निकल गया ये गाना गाते ही, रियूनियन होगा आपका। वाओ वाओ वेरी गुड, प्यारा प्यारा गाना और प्यारा प्यारा कार्ड, रिकंसिलिएशन रियूनियन होगा, आपका प्यार इटर्नल है, बहुत अमर है, कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं छूट सकता, इसको तो अब मिलना ही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, बस कंट्रोल मत कीजिएगा अपने पर्सन को, बाकी सब सही है। फ्लड, फ्लड की एनर्जी में तो वो रहते ही हैं, तो ये एनर्जी उनकी खत्म कराइएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव कीजिए अपने से, इसके अलावा कुछ नहीं भरा और धरा, ठीक है। तो कुछ प्यार के मैसेज, प्यार के मैसेज भी ले लेते हैं। कुछ प्यार के मैसेज भी पढ़ लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ये रहे, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, तो मुझे माफ कर देती हो जब मैं कुछ गलत करता हूँ। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, तो मुझे छोड़ती नहीं हो जब मैं बुरा भी करता हूँ तुम्हारे साथ। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम, तुम्हारा हाथ पकड़ के पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, तुम्हारे को छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, अगर मैं मर जाता हूँ कल तो तुम ही मेरी सोलमेट हो इस जीवन में और अगले जीवन में भी। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग, मैं बहुत समय बिता सकता हूँ सिर्फ बात ही बात करके तुमसे। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विद यू, मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। नो मैटर हाउ अदर्स सी यू, यू मेक मी फील स्पेशल, मुझे नहीं पता लोग मेरे को कैसे देखते हैं लेकिन तुम मेरे को स्पेशल बना देती हो, ये बात है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, तुम्हारे हर चीज़ में पैशन होता है, प्यार होता है जो तुम करती हो। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, तुम मेरी केयर करती हो। यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी, तुम कुछ भी कर सकती हो मेरे को खुश रखने के लिए। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स, इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं है मैं जब तुम्हारे हाथ पकड़ता हूँ, मैं जब तुम्हारे हाथ पकड़ता हूँ।
यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, तुम्हारे ऐसे जादुई हाथ हैं, तुम सब फिक्स कर देती हो, जो भी बुरा हुआ होता है वो सब तुम्हारे मैजिक हैंड्स सही कर देते हैं, चमत्कारी जादुई हाथ तुम्हारे सब सही कर देते हैं जो भी चीज़ खराब होती है। इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बींग विद एनीवन इन द वर्ल्ड, अगर मेरे पास चॉइस हो किसके साथ रहना है तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोलूँगा। यू लाफ एट माई जोक्स, तुम मेरे जोक्स पर हंसती हो जब वो बुरे भी होते हैं, तब भी हंसने लायक नहीं होते तब भी। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स, तुम मेरे अंदर के अंदर जो मैं सोच रहा होता हूँ वो भी जान जाती हो। यू कीप लिटिल मोमेंट्स मोमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन, तुम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती हो जो हमने करी होती है। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ हर वक्त। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, अकेले सोना मुझे अच्छा नहीं लगता। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, तुम मेरे मुँह पर स्माइल ला देती हो हर सुबह। आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स, मैं तुम्हारी बाहों में बहुत कम्फर्टेबल फील करता हूँ। यू आर माई इंस्पिरेशन, तुम मेरी प्रेरणा हो। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, तुम्हारी आंखों में जो चमक है उससे मेरा दिन बन जाता है। यू कंप्लीट मी, तुम मेरे को पूरा करती हो। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, तुम लाइट हो मेरी जिंदगी में, रोशनी हो, तुमने रोशनी बिखेर रखी है मेरी जिंदगी में। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना रहने का एक मिनट भी नहीं सोच सकता, एक पल भी नहीं सोच सकता तुम्हारे बिना रहने को। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, जब मेरा मूड खराब होता है तो मेरा मूड बहुत जल्दी सही कर देती हो चुटकी बजाते ही। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, मैं जब लो महसूस करता हूँ तो तुम मुझे लो महसूस होने ही नहीं देती, मुझे इतना अच्छा महसूस कराती हो कि मैं लो था ये मुझे पता ही नहीं था, पता ही नहीं होता। आई ट्रस्ट यू विद माई हार्ट एंड लाइफ, मैं तुम्हें बहुत विश्वास करता हूँ तुम पर। इफ ऑल आई हैव एवर हैड विद यू वॉज यू, दैट वुड बी एनफ, अगर मुझे सिर्फ तुम ही मिल जाओ तो यही मेरे लिए बहुत तेरी बात है, बहुत बात है। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल, जब तुम गुस्सा होती हो या फिर आंखें तरेड़ती हो मेरी तरफ तब भी तुम बहुत क्यूट लगती हो, प्यारी लगती हो। वेन आई एम विद यू, मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए होता संसार का। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड वेन आई एम इल, जब मैं बीमार होता हूँ तुम मेरा टेक केयर करती हो, मेरी देखभाल करती हो और मेरे साथ ही रहती हो। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, तुम बिल्कुल भी डरती नहीं हो मेरे बेवकूफाना हरकतों से। यू कैन चैट फॉर एवर, तुम बहुत बातें करती हो और करती ही चली जाती हो और करती ही रहती हो। तुम इरेजिस्टेबल हो, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम वेन वी आर टुगेदर, हमें वक्त का पता ही नहीं चलता जब हम एक साथ होते हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, हम सारी चीज़ें सही कर सकते हैं जब हम एक साथ हों। I love the way you love me, मैं उस चीज़ को प्यार करता हूँ जैसे तुम मेरे से प्यार करती हो। You are my other half, तुम मेरी अर्धांगनी हो, आधी हो, मेरे शरीर का आधा अंग हो। तो ये थी आज की रीडिंग, कमेंट डाउन बिलो कैसी लगी, और कोई वीडियो आपको बनवाना हो तो वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मेरे को टाइम जैसे ही मिलेगा मैं वो वीडियो भी बनाऊंगी। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है मुझे, थैंक यू, शुक्रिया। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबाते हुए जाइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके अच्छे कर्म में गिना जाएगा ये किसी की हेल्प करना। और ये जो मेरे 7,000 की फैमिली बनी है, सबसे पहले तो आपने 7,000 तक लाया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी ग्रोथ करवाई। ऐसे ही मेरे दूसरे चैनल की भी ग्रोथ करवाई है, मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरे लिए प्रे कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा दीजिए, यही सेटअप है। मेरा दूसरा चैनल एंजल सोल टैरो, मैं स्पेलिंग भी बता देती हूँ आपको, ANGELSOULTAROT, एंजल सोल टैरोट को भी यही सेटअप है, उसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा दीजिए, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वो कैंडल वैक्स रीडिंग का वीडियोस बनाती हूँ मैं उधर, अभी तो 4-5 ही बनाए हैं, टाइम नहीं मिलता मुझे यहाँ से डिवाइन वंडर टैरो रीडिंग 108 के चीज़ें करने से, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स, बच्चे संभालना, घर संभालना, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, इसके वीडियोस बनाना, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप, मैं अश्योरेंस देती हूँ, अगर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन करके ग्रोथ करेंगे, मेरी एनकरेज करेंगे उधर जाके, मेरे 7,000 जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, मैं वक्त निकालूंगी कैंडल वैक्स रीडिंग के भी, दूसरे चैनल एंजल सोल टैरो के लिए भी वीडियोस बनाने का, पक्का प्रॉमिस, थैंक यू। और मैं ब्लैक मैजिक के उपाय भी बताती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी मैं करती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स भी मैं सिखाती हूँ 78 कार्ड्स का, और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस कम कर दिए हैं, बुकिंग कराएं, और अगर मैं फ्री होंगी तो मैं उसी टाइम आपकी
रीडिंग कर दूंगी, मैं ये आपको एश्योरिटी देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा, अभी आपके ऊपर है। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिविटी फैलाएंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, या नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिविटी फैलाएंगे, या नेगेटिव लोगों के साथ सोचेंगे रहेंगे। तो पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। तो अच्छा सोचिए पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आई लव यू ऑल, सी यू, टेक केयर इन माई नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय बच्चों।